Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट, हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। लास्ट जो वीडियो था हमारा, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस करूंगा, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस करता हूँ। आपको ध्यान से सुनना है, देखिएगा, वर्टिकल और इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी, जब आप लोग दीवार पर यहाँ खड़े होकर पत्थर फेंकते थे तो वो था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जब आप यहां से पत्थर फेंकेंगे वो यूं करेगा तो क्या लाएगा, वर्टिकल या इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। आपको याद रखना, तो ये आपको याद रखना डेफिनेशन, कि व्हेन ए बॉडी इज सेंट इनटू स्पेस विद सम वेलोसिटी एट एन एंगल, अगर मैं किसी एंगल की बात करता हूं तो उसका नाम क्या रहेगा, इंक्लाइंड या वर्टिकल प्रोजेक्टर। व्हेन ए बॉडी सेंट इनटू स्पेस विद सम वेलोसिटी एट एन एंगल, याद रखना है, देन अलाउ फ्री टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। फिर हम उसको क्या करेंगे, ग्रेविटी के इफेक्ट से फ्री छोड़ देंगे हम लोग उसको। तो हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, कोई एंगल बढ़ाते हुए थ्रो कर दिया, उसके बाद हमारा इफेक्ट उस पर खत्म, फिर ग्रेविटी के इफेक्ट के साथ उसके साथ चाहे कुछ भी हो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल या इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। सुन, जब वर्टिकल और इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल की बात होती है तो हमारे पास एक बड़ी अच्छी चीज दिमाग में आती है, जहन में आती है, वो क्या कहता है, ट्रेजेक्टरी। क्या होता है, क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेजेक्टरी क्या होता है। देखो, ट्रेजेक्टरी के बारे में हमने कहा था, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। हमने पढ़ा था द पाथ, जिस रास्ते से चलेगा, द पाथ फॉलो बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। इसको हम लोग ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, जिस रास्ते से वो चलेगा, चाहे वो यूं चले, चाहे वो सीधा चले, कैसे भी चले, उस पाथ का नाम होता है हमारे पास ट्रेजेक्टरी। सुन, देखिएगा कैसे होगा, हमने यहां से किसी स्टोन को, बॉडी को थ्रो किया, ऐसे वेलोसिटी हमने वी दी, एंगल हो गया थीटा। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, हम इसको कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे तो एंगल के साथ जो कंपोनेंट बढ़ेगा वो बढ़ेगा वी कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट वी साइन थीटा, कंपोनेंट में तोड़ेंगे। ये जो डिस्टेंस ये रहेगा हॉरिजॉन्टल एक्स रहेगा, और वर्टिकल क्या रहेगा वाई। तो पहले तो अपने वही बातें लिखनी है, एक्स इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वाई इज द वर्टिकल, v cos theta is the component of horizontal velocity and v sin theta is the component of vertical velocity, आपको याद रखना है, along y axis याद रहेगा। अब आप ये जानते हैं, जैसे हमने horizontal में किया था, हमें find out करनी है velocity, तो हमने वहां पढ़ा था v is equal to x by t, लेकिन अपने पास horizontal velocity क्या है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ v cos theta is equal to x by t, वहां only पढ़ा था v is equal to x by t, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अगर मैं ऐसे टी फाइंड आउट करता हूं तो एक्स बाई वी कोस ऑफ थीटा, इनको इंटरचेंज हम लोग कर लेंगे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, मैं लिखा इक्वेशन नंबर एक, मुझे टाइम फाइंड आउट करना भी है। अब यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिएगा, एस मीन्स वर्टिकल, वर्टिकल क्या है, वाई, जब बॉडी हमने थ्रो कर दी तो इनिशियल का काम ये कर रहा है वी साइन थीटा, क्योंकि ओरिजेंटल को ब्लॉक कर रहा है ये, तो ये इनिशियल का काम कौन कर रहा है, बॉडी ओरिजेंटल में जा रही है, ये इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी का काम कौन करेगा, यू की जगह वी साइन थीटा, टी की वैल्यू ये लिखी हमने एक्स बाय वी कोस थीटा वन बाय टू, ए की बजाय ग्रेविटी और वो भी माइनस। देखो, बॉडी ऊपर जा रही है, धरती उसको नीचे खींच रही है, तो अपोजिट में काम हो रहा है, तो हमने इसके साथ माइनस जी लगाया, और इस टी की जगह मैंने लिखा एक्स बाय वी कोस थीटा का स्क्वायर, तो क्या रहेगा, तो यहां से कैंसिल कर दो, कोई चीज कैंसिल हो रही है, तो बचेगा एक्स साइन बाय कोस टेंजेंट थीटा, फिर यहां से माइनस वन बाय टू जी एक्स स्क्वायर बाय वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन जो बची स्टूडेंट, ये पैराबोलिक इक्वेशन बची हमारे पास, तो याद रखना है कि पाथ फॉलो बाय द प्रोजेक्टाइल, पाथ फॉलो by the inclined projectile is always parabolic, हमेशा कैसे रास्ते में चलेगा,
वो पैराबोलिक पाथ के अंदर हमेशा चलेगा। बात आपको याद रखनी है, पैराबोलिक पाथ को कवर करेगा। ये ट्रेजेक्ट्री का हमारे पास कंसेप्ट हो गया जो आपको याद रखना है। आप सुन, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा टाइम ऑफ लाइट की। ठीक है, टाइम ऑफ लाइट क्या होता है इसी का मैं बता रहा हूं, टाइम ऑफ लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट का मतलब होता है बॉडी हवा में कितनी देर है। देखिएगा, यहां से मेरे हाथ से बॉडी निकल चुकी है और जमीन पर गिरी नहीं है, गिरने वाली है, जब तक हवा में रहेगी उसको टाइम ऑफ लाइट हम लोग बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर। ये कहता है वो समय जब तक ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा, स्पेस में रहेगा, हाथ से निकल चुका है, जमीन पे गिरा नहीं है, गिरने वाला है, तो कितना टाइम वो एयर में स्पेंड करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका हमारे पास नाम रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए कैसे, एक चीज और बताएगा आप लोग, कोई बॉडी ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगाती है नीचे आने में? तो याद रखना है, जितने टाइम में कोई बॉडी ऊपर जाएगी उतने ही बराबर टाइम में वो नीचे गिरेगी। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होते हैं। एसेंट में ऊपर जाने का टाइम, डिसेंट में नीचे आने का टाइम बराबर होते हैं। तो यहां देखिएगा, मैं इक्वेशन जो यूज करूंगा v बराबर यू प्लस एट। अब देखिए, जब हमने बॉडी को ऊपर फेंका तो ऊपर जाने की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जब बॉडी को ऊपर फेंका तो ऊपर जाने की इनिशियल वेलोसिटी है v साइन थीटा, और जैसे बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। तो यहां देखिएगा, फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे होगी जीरो, और ऊपर जाने का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v साइन थीटा। ए की बजाय मैंने लिख दिया माइनस जी इंटू टी। तो इसको जब इधर लेके आएंगे, जी टी बराबर वी साइन थीटा, और टी क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा बाई जी। इसी को तो हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। आपको याद रहे, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हम लोग इसको नाम देंगे, दोनों बराबर होते हैं। जो टोटल टाइम होता है वो टवाइस हो जाता है, टू इंटू टी, दोगुना ऊपर जाने का रहने का, तो कितना हो जाएगा? टू वी साइन थीटा बाय जी। ये टोटल टाइम पीरियड हमारे पास ये रहेगा, टू वी साइन थीटा बाय जी। आपको याद रखना है, याद रहेगा स्टूडेंट। अब आ जाता है हॉरिजॉन्टल रेज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेज हमने पहले भी पढ़ा था। हॉरिजॉन्टल रेज का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रेज, हॉरिजॉन्टल रेज का मतलब होता है स्टूडेंट, या इट इज द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो याद रखना है, इट इज द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, कवर्ड बाय द बॉडी। बॉडी ने टोटल कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेज। जैसे मैंने बताया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर वेलोसिटी हो जाए ओरिजेंटल वेलोसिटी, तो ओरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इस ओरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट को ओरिजेंटल रेज बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? ओरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम मल्टीपल करेंगे। तो ओरिजेंटल रेज को मैं क्या लिख सकता हूं? ओरिजेंटल वेलोसिटी, ओरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आप जानते हैं ओरिजेंटल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है? वी कॉस थीटा। तो मैंने लिखा वी कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ लाइट, अभी हमने निकाला ही था, टू वी साइन थीटा बाय जी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी? वी स्क्वेयर टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाय जी। आप जानते हैं ये फॉर्मूला मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक साइन टू थीटा के बराबर होता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी? वी स्क्वेयर साइन टू थीटा बाय जी। आपको याद रखना, ये रहेगा। अब सुन, बड़ा फेमस सम आता है, हम बॉडी को किस एंगल पे फेंकेगी बॉडी सबसे ज्यादा दूर जाएगी, हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बताने जा रहा हूं इससे कैसे होगा, याद रखना है, मैक्सिमम डिस्टेंस कब कवर करेगी। तो सुन, मैं छोटी सी बात आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। देखिए, मान लिया जाए हॉरिजॉन्टल रेंज, हमने हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं तीन जगह, यहां हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी v स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ये फॉर्मूला आया, हॉरिजॉन्टल रेंज में लिख रहा हूं v स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, और यहां फिर मैं लिखता हूं हॉरिजॉन्टल रेंज
वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी लिखा मैंने। सो यहां मैं वैल्यू को जो एंगल पुट करूंगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ थीटा में पुट करूंगा 60 डिग्री और यहाँ में थीटा पुट करूंगा 45 डिग्री। कुछ भी रख के देख लो आप लोग, तो देखिएगा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, वी स्क्वायर बाय जी या 30 रखेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा साइन 60, और आप जानते हैं साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.8। यहां से देखिएगा हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, वी स्क्वायर बाय जी और ये साइन 2 × 60, 120 हो गया ना 60 रखेंगे तो यहाँ तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय जी, साइन 120 कितना होता है, ये √3/2 होता है तो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाय जी और ये 0.8। इधर से देखिएगा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज वी स्क्वायर बाय जी या 90 हो जाएगा ना, 45 रखेंगे 90, साइन 90 क्या होता है आप जानते हैं, साइन 91 होता है। एक तो आप किसी चीज को 0.8 से मल्टीपल करो, 0.8 से मल्टीपल करो, एक आप किसी चीज को 1 से मल्टीपल करो, बड़ा कौन सा होगा, जो 1 से मल्टीपल करोगे वो बड़ा होगा। तो इसलिए कहते हैं कि 45 डिग्री के एंगल के ऊपर अगर हम किसी भी चीज को थ्रो करेंगे फेंकेंगे तो वो ज्यादा दूर तक जाएगी, बात आपको याद रखना है। तो जब भी आप कोई गेम खेलें या कोई भी प्रतियोगिता कंपटीशन चल रहा हो और आपको कोई चीज थ्रो करनी हो तो आप 45 के ऊपर फेंकेंगे तो ज्यादा दूर तक वो जाएगी। अब लास्ट बात आती है वेलोसिटी, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना है, इसके अंदर वेलोसिटी क्या होती है और वेलोसिटी एट एनी पॉइंट होती है, आपको याद रखना है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, बड़ा अच्छा कंसेप्ट रहेगा, ध्यान से आप लोगों ने सुनना है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट कंसेप्ट इसके अंदर रहेगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। बड़ा अच्छा कंसेप्ट एनी पॉइंट वेलोसिटी, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने किसी बॉडी को थ्रो किया, बॉडी यूं गिरेगी, तो ये वी था तो एंगल थीटा, तो कंपोनेंट में क्या टूटा, वी कोस थीटा और वी साइन थीटा। अगर मैं यहां की हाईएस्ट की बात करूंगा ना स्टूडेंट, तो हमारे पास रहेगा जीरो, अगर मैं हाईएस्ट की बात करूंगा तो हमारे पास वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन मैं किसी मिडिल पॉइंट की यहां की बात कर रहा हूं, मैं नहीं पता बीच में क्या होगा, तो ये कंपोनेंट तो एक्स एक्सिस का, ये कंपोनेंट वाई एक्सिस का और ये कोई भी एंगल थीटा, याद रखना। तो आप जानते हैं रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर का अगर मैं बात करूं तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट, ये वेलोसिटी होती है। अब यहां से आपको ये पता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या है, वी कोस थीटा, अब हमें वी वाई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं पता। अगर हाईएस्ट की बात करता तो वर्टिकल जीरो हो गया था, मैंने मानो वेलोसिटी जीरो हो गई थी, लेकिन इस पॉइंट पे हमें नहीं पता वर्टिकल क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लगानी है v बराबर u प्लस at, हमें नहीं पता किसी पॉइंट पे y क्या है u। अब ऊपर जाने की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब ऊपर जाने की इनिशियल वेलोसिटी तो आप लोग लिखेंगे v sin थीटा a की बजाय माइनस c और t, ये हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट रहेगा, आपको याद रखना कंपोनेंट आ गया। तो ये vx और ये vy आप पुट कर दो तो देखिए क्या होगा, वी एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे, वी कोस थीटा का स्क्वायर, वी वाई की जगह वी साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर का रूट। इसको सोल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, हमने फॉर्मूला इसका लगा दिया, आपको याद रखना है फॉर्मूला। अब इन दोनों में से कोई चीज कॉमन आ रही है तो हमने वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये जी टी का स्क्वायर माइनस टू वी जी टी साइन ऑफ थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास रूट, याद रखना है। अब यहां से देखिएगा ये वन हो जाता है तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर, यहां से जी और टी अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहां जी टी बच गया या माइनस टू वी साइन थीटा का रूट, ये हो जाएगा हमारे पास जो नेट वेलोसिटी जो रहेगी ना हमारे पास, ये रहेगी, आपको याद रखना है, ठीक है ना, सिंपल नेट वेलोसिटी हमारे पास ये रहेगी, याद रहेगा। अगर स्टूडेंट निकालनी हो डायरेक्शन तो डायरेक्शन आप सभी जानते हैं, डायरेक्शन हमेशा किसमें निकलेगी, टेंजेंट थीटा में, और टेंजेंट थीटा हमेशा वी वाई बाई वी एक्स होता है, टेंजेंट थीटा वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट देखिए क्या है, ये ना v sin theta minus gt, और x component क्या है, v cos theta, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, आप इसको अलग अलग लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना, इसको अलग नाम देते हैं, बीटा नाम दे देते हैं।
मुझे टेंजेंट बीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग कर दो, v साइन थीटा बाय v कॉस थीटा माइनस जी टी बाय v कॉस थीटा, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा देखिएगा, टेंजेंट बीटा रिजल्टेंट रहेगा हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे कैंसिल तो क्या बचेगा, टेंजेंट थीटा यहाँ से माइनस जी टी बाय वी कॉस थीटा, याद रखना ये हमारे पास रिजल्टेंट बचेगा। तो स्टूडेंट ये हमारा एक डेरिवेशन था जिसको लोग बड़ा गंदा कहते हैं, लेकिन डेरिवेशन बड़ा सिंपल है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। आपको सिस्टम से इसको पढ़ना पड़ेगा, स्टेप टू स्टेप आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।